बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एम्ब्रॉयडरी गले पे कैसे लगाते हैं। अक्सर कपड़ों के साथ मिलती है एम्ब्रॉयडरी और उसके साथ में शेरवानी लगाई है, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो यहाँ पर शर्ट की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है, ठीक है, और लंबाई जो है वो 2 इंच की है। तो यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। और यहाँ पे हम गला जो है कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बकरम का पीस लिया है जो लंबाई में 14 इंच का है और चौड़ाई में 2 इंच है। तो यहाँ पे नेक पे हम इसको चिपका लेंगे इस तरह से, ठीक है, और इसकी सीधी लाइन बनाएंगे बीच में से और इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 13.5 इंच पे कट कर लिया है। और ये हमारे पास एम्ब्रॉयडरी है, ये सूट के साथ में ली है। ये मैंने उल्टी साइड पे रखी है और इसको हम बाहर की साइड पलटेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से एम्ब्रॉयडरी जो है हमारे गले पे लग जाएगी। यहाँ पे हम निशान कर लेते हैं, यहाँ पे आके सिलाई जो है हमारी रुकेगी। ये देखें, यहाँ पे सिलाई जो है मैंने रोक दी है। अब हम इसको अलग करेंगे और दूसरी पट्टी इसी तरह से हम लगाएंगे जैसे हमने पहली पट्टी लगाई है। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच जो है ज़्यादा कट कर लिया है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के ऊपर जो है मैंने सिलाई नहीं लगाई है, बिल्कुल साइड में ही सिलाई लगाई है। अगर एम्ब्रॉयडरी के ऊपर लग जाती तो ये बाहर की तरफ जो है सही तरह से फोल्ड नहीं होगी, इसलिए मैंने इसका टिश्यू जो है वो एक्स्ट्रा रखा है ताकि सिलाई जो है हमारी टिश्यू पर लगे। तो ठीक दूसरी तरह से भी मैंने इसे ही लगा दिया है। और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से हम इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसकी किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा मैंने 1 इंच का छोड़ा था तो इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। और ठीक इसी तरह से हम यहाँ से भी सिलाई लगा देंगे फोल्ड करके। तो एक साइड से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी दूसरी साइड से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से भी हम इसकी नोक बना देंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आप कोई एम्ब्रॉयडरी लगाएं सूट के साथ मिलती है तो इस तरह से आप लगाया करें, ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है। तो यहाँ पे हम इसको भी फोल्ड करेंगे नोक बनाकर और इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से
सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। अब हम शेरवानी इस पर लगाएंगे गोल शेप में, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने फैब्रिक लगाया है अंदर की साइड। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि कितने इंच का मैंने यहाँ पे गैप रखा है। और यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें, यहाँ से मैंने 4.5 इंच का गैप रखा है। और यहाँ पे मैं ट्रिच बटन लगा दूँगा। अब हम इसके शोल्डर आपस में जोड़ेंगे। उसके बाद हम इस पर शेरवानी लगा देंगे। और यहाँ से हम थोड़ा सा गोल शेप में बैक साइड से भी कटिंग कर लेंगे, ताकि जब हम शेरवानी लगाएं तो वो हमारी अच्छी तरह से शेरवानी लग जाए। तो यहाँ पे मैंने पेपर बकरम लिया है। अब हम इसको 4 बार फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, 1, 2 और ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे हम गोल शेप बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इसको अंदर की साइड हम गोल शेप देंगे। ये देखें, इस तरह से हम इस पे 1 इंच का शेप दे देंगे। तो यहाँ से मैंने 1 इंच रखा है। एक बार मैं आप लोगों को फिर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने 8 इंच का ही निशान लगाया है। अब हम शेरवानी को कट कर लेंगे। अगर आप जेंट्स बकरम की शेरवानी लगाते हैं तो सिंगल में से ही लगाएं, अगर आप पेपर बकरम लगाते हैं लेडीज़ वाला तो आपने 2 शेरवानियाँ कट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शेरवानी जो है मैंने कट कर ली है। अब हम इसको फैब्रिक पे चिपकाएंगे। सबसे पहले हम 1 शेरवानी चिपकाएंगे और ठीक उसी तरह से उसके ऊपर हम दूसरी शेरवानी रखेंगे और उसको भी हम प्रेस कर देंगे। और यहाँ से हम कपड़ा जो है इसका 1/2 इंच छोड़ेंगे और बाकी का हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और प्रेस कर देंगे। और यहाँ से भी हम 1/2 इंच छोड़ेंगे और बाकी का कपड़ा हम कट कर लेंगे। और अब हम इस पर लेस लगाएंगे। तो लेस जो लगेगी हमारी इस साइड से लगेगी जहाँ से हमने कपड़ा फोल्ड किया था।
यहाँ पे मैंने बहुत ही बारीक लेस लगाई है, अगर आप चाहें तो चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं यहाँ पे। सेम मैंने जाग दामन पे यही लेस लगाई थी, तो इसलिए मैंने शेरवानी में यही लेस यूज़ की है। तो यहाँ पे लेस जो है हमने लगा दी है, ये देखें कुछ इस तरह से हमारी लेस जो है दिखाई दे रही है, और हम इसको दूसरे फैब्रिक पे स्टिच करेंगे जहाँ से हमने आधा इंच छोड़ा है कपड़ा। तो यहाँ पे हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। जब आप सिलाई लगाएं तो आपने ध्यान कर रखना है कि सिलाई जो है वो बकरम के ऊपर ना लगें। तो दोस्तों यहाँ पे सिलाई जो है हमने लगा दी है, अब हम इसको कपड़े को कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट जो है हम बिल्कुल सिलाई के बराबर में लगा रहे हैं। आपने ध्यान रखना है कि सिलाई के ऊपर कट ना आए, वरना हमारी सिलाई खुल सकती है। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से, ये देखें। और यहाँ से हम आधा इंच का कपड़ा छोड़कर बाकी का कट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक बार दिखा देंगे कि शेरवानी जो है हमारी बिल्कुल 16 इंच पे ही रेडी हुई है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हुई है। ये देखिए 16 इंच पे रेडी हो गई है। तो दोस्तों कुर्ती की बैक साइड जो है हम यहाँ से स्टिच करेंगे इस तरह से। बहुत ही ध्यान से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने राउंड वाली शेरवानी बनाई है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल आधे इंच पे ही हमने सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा है, तो आधे इंच पे ही हम सिलाई करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शेरवानी जो है हमारी बिल्कुल नाप की थी, और हम इसको बाहर की साइड पे फोल्ड करेंगे, और इसकी नोक जो है हम ठीक तरह से अंदर करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से शेरवानी जो है मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से गोल शेप में शेरवानी लगाते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो दूसरी साइड से भी हम इसका कोना बनाएंगे और इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शेरवानी जो है मैंने लगा दी है,
अब हम आपको नाप करके बताएंगे कि गला यहाँ तक हमने कितने इंच का रखा है। तो यहाँ पे 7 इंच का गला हमने रखा है और यहाँ पे हम ट्रिच बटन लगा देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ट्राउज़र का डिज़ाइन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप ट्राउज़र का डिज़ाइन देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।